बाबा चलो रे जल्दी, पुलिस है सामने। नमस्कार इंस्पेक्टर साहब। नहीं पुलिस आ रही है, पुलिस आ गई है। ओके। एक्सक्यूज मी मिस्टर बॉबी देओल, आप अपना आपने गन क्यों तान रखी है, क्या प्रॉब्लम है, दिक्कत क्या है? सर किस चीज की कंप्लेंट? यहाँ पे कुछ भी नहीं, यहाँ पे पार्टी चल रही थी सर। हुआ क्या इधर? सर यहाँ पे क्या हो रहा है, हम पे गन क्यों तानी जा रही है सर, हमने कुछ किया भी नहीं है सर। ये सब जमेले में मेरी गलती, मेरे को कंप्लेंट करना है क्या इधर? नहीं नहीं जाएगी, टेंशन मत लो। गई सर, गई सर, गई गई सर। अरे 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 व्हाट, पुलिस कम है। सर आप अपने आपने गन क्यों तान रखी है, कोई वजह? बाबा बिना वजह ये कर रहे हो तो मतलब आप बिना वजह और क्यों कांड किए जा रहे हैं? शिट। ओह इंस्पेक्टर आप बिना वजह के, बिना किसी वजह के मुझे पकड़ के लेके जा रहे हो, दिक्कत क्या है सर? सर बिना किसी वजह के आप मुझे उठा के लेके जा रहे हो, दिक्कत क्या है? सब कर लो जितनी भी हो सकते। हाँ नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार इंस्पेक्टर साहब। सर ऑफिसर इनकी इंक्वायरी हो गई या इनकी नहीं? नहीं अभी इंक्वायरी तो आपकी हो रही है सर, आप यहाँ पे आई है, मुझे आपसे बात करनी है। देखिए एक एक ईमानदार नागरिक हम सब हैं, हम वहां पे ईमानदारी से पार्टी कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, किसी को कुछ भी चोट नहीं हुई। हालांकि पार्टी में किसी ने दारू भी नहीं पी, ना पिए सिगरेट, एकदम आराम से पार्टी चल रही है सर। अचानक से आपके पुलिस आते हैं यॉट पे, हालांकि हमने यॉट को भाड़े पे लिया था, पुलिस आके डायरेक्टली यॉट पे आपका हेलीकॉप्टर लैंड करके नीचे आके हमें फ्रीज करने को बोल रही है। और जो आइलैंड था वो समंदर का किनारा, वहां पे सीधा सीधा चार पांच पुलिस आके सीधा सीधा हम पे गन तान के फ्रीज कर रही है। मतलब वजह क्या है सर, हम पार्टी कर रहे थे तो वजह क्या है बताइए? ये किस तरह के रूल फॉलो हो रहे हैं? हम आप पे इस बुनियाद पे उल्टी केस कर सकते हैं, पता है आपको? जानने की वजह ये थी कि आपने प्रायर परमिशन ली थी यॉट के ऊपर पार्टी करने की? जी हाँ सर। तो उसके पेपर्स बताइए हमको। सर परमिशन के पेपर है ना वो वही पे रह गए और वो भीग गए पूरी तरह से। सर पेपर परमिशन के पेपर्स के वजह से हम आपको कैसे ये सर, जब आपने देखो आपके बंदों ने जब हमें गिरफ्तार किया वहाँ पे दूसरी बात सर सुनो। जी हाँ दूसरी बात ये है कि वो यॉट एक प्राइवेट यॉट है, ठीक है सर? बिल्कुल सर, जिसका वो प्राइवेट यॉट है उसी ने हमें परमिशन दी थी सर। क्या मैं उसके यॉट के मालिक का नाम जान सकता हूँ? थैंक यू एमएस, थैंक यू वेरी मच। इट्स वेलकम, पर मैं उनका नाम जान सकता हूँ? सर उनका नाम है लोटिया भाई। हाँ बिल्कुल। yes. तो लोटिया भाई उनका नाम है, वो यॉट उनकी तो है, लोटा भाई का। हाँ सुनो लोटा भाई का जो छोटा भाई ना, गोटा भाई। हाँ हाँ तो उसके पेपर मेरे पास थे। हाँ तो उन्होंने हमको पेपर दिया था, तो और उनको पता नहीं था, तो उन्होंने आपको मैसेज कर दिया होगा कि भाई यहाँ पे पार्टी तो हमने नहीं बोली। तो उनकी गोटा भाई जो है ना उनको पूछिए आप, वो बता देंगे कि उन्होंने पेपर दिए थे हमको, समझ रहे हो? नहीं सर देखिए यॉट के मालिक का नाम जो है लोटिया भाई, उनके नाम पे उन्होंने कंप्लेंट की, तो हमने तो हाँ उनके भाई को पूछो, गोटिया भाई उनका नाम है, उनको पूछो कि उन्होंने पेपर दिए नहीं, समझ रहे हो? उन्होंने हमको पेपर दिए और उन्होंने बोला कि यहाँ पे पार्टी वार्टी का, और हाँ बिल्कुल सर, और उन्होंने बोला लोटा भाई को बोलना मत क्योंकि वो है ना ऐसे छोटे से खड़ूस मिजाज के, खड़ूस है, मतलब वो देने को चिंदीगिरी करते हैं, और गोटिया भाई दिल के बहुत दरिया दिल है, बहुत दरिया दिल है वो। हेलो मिस्टर लोटिया भाई। हाँ जी मैं पुलिस कमिश्नर हाजी मस्तान बात कर रहा हूँ। हाँ जी हाँ जी, आपने कंप्लेंट की थी हमें आपकी यॉट के ऊपर कुछ चोरी रॉबरी के लिए, कोई कुछ बंदे वहाँ पर प्राइवेट पार्टी कर रहे थे। हाँ सर सर, मुझे लग रहा है ये बेतु की बातें करके हमें बिना वजह का फंसाना चाहते हैं। रुको एक मिनट रुको, मैं गोटिया से बात करता हूँ, रुको मैं गोटिया से बात करता हूँ। आप गोटिया से बात कर लो। ओ हेलो मिस्टर गोटिया, हाँ मुफासा बात कर रहा हूँ, कुंदन का बेटा।
समझ रहे हो ना, जिसने तुमको पैसे दिए थे यॉट खरीदने के लिए और तुम्हारी आयाशों के लिए, यहाँ पे हम तुम्हारी वजह से फंसे हुए हैं पुलिस स्टेशन में, समझ रहे हो, और बहुत दिक्कत फेस कर रहे हैं। तुम्हारे भाई के साथ तुम्हारे जो भी घरेलू झगड़े उनको मिटाओ और हमें यहाँ से निकालने के प्रबंध करो। अभी पुलिस वाले अंकल को बोलो कि हमें यहाँ से छोड़े, बिना वजह के हमको फंसाया जा रहा है, बिना वजह के हैंडकफ करा जा रहा है, और तुम्हारे जो यॉट है वहां पे किसी तरह की सिक्योरिटी है, तो भाई हमने किसी को छुआ नहीं है, ना कभी छुएंगे, क्योंकि हम चिंदी नहीं है। अगर हम तुमको यॉट गिफ्ट कर सकते हैं तो सोचो हम क्या चीज है, समझ रहे हो। 15 बंदों की पार्टी चल रही थी, रिलैक्स लाइफ चल रही थी, ये पुलिस वालों को बिना वजह ने लोटिया भाई ने कॉल करके सत्यानाश कर दिया। तो लोटिया को कॉल करो और बोलो कि वो यॉट तुम्हारी है, पेपर तुम्हारे है, और हमें यहाँ से जल्द छोड़े, समझ गए? जी हाँ, और इज्जत से तुरंत कॉल होना चाहिए लोटिया को, और बताओ पप्पा कौन है इधर। हाँ चलो भाई, पालजी गए ये तो। अरे रुको। ओके इंस्पेक्टर साहब, मैंने गोटिया को बता दिया है लोटिया को कॉल करने के लिए, और वो जो पेपर्स है ना वो गोटिया के नाम पे, लोटिया के नाम पे। लोटिया एक नंबर का ठरके इंसान है, ठीक है, वो यॉट पे जाता है और हक जमाता है, लेकिन असल में हक गोटिया का है। तो प्लीज आप एक बार लोटिया को बोलिए और हमको यहाँ से जाने की अनुमति दीजिए, क्योंकि हम बहुत स्ट्रेस में हो गए अब, और कुंदन को यहाँ आने पे मजबूर मत कीजिए, क्योंकि कोई ना, अभी तो हम जा ही रहे हैं, वैसे भी तो कोई दिक्कत नहीं हमको। एक मिनट ताऊ जी, मुझे इनके नाम जानने हैं। मेरा नाम ऑफिसर अर्जुन सिंह राठौड़। अर्जुन सिंह राठौड़, आप ही ने मुझे हैंडकफ किया था ना? नहीं, मैंने नहीं किया था, मैं गाड़ी चला रहा था सर। किसने किया था? आपने किया था मुच्छड़ जी? मैंने किया था सर, मैंने। जी हाँ, ठीक है, आपसे ठीक से देख लेता हूँ आपको, बहुत प्यार से, प्यारे दिख रहे हो आप। एक बार आपका नाम बता दीजिए हमें। सर रॉबिन सर। रॉबिन सर, ठीक है रॉबिन सर, बहुत बढ़िया नाम है, अभी हमें जाने दीजिए सर, अब हम यहाँ से जाते हैं। ताऊ जी इनका नाम लिख लीजिएगा ठीक से, रॉबिन। बिल्कुल। चलिए हम जाते हैं अभी। आता यार रॉबिन चलो नलाल करना रे भी। आते यार रॉबिन चलो नलाल उड़ जे मोरे टक्की तंबा। हम कर रहे हैं। हो गया मेरा कांड। क्या हो गया? ब्रेकअप हो गया? जी। देखो आप टेंशन मत लो, आपका पैचअप मैं करा सकता हूँ। वो ऑफिसर जो है ना, वो कमिश्नर और हाँ रॉबिन और मिस्टर, वो क्या नाम है उनका, ऑफिसर जो भी है उनका नाम, हाजी मस्तान। ठीक है, हाजी मस्तान जी ने और आपसे पकड़ने मारने का नहीं, उसको तड़पा के मारने का है। एक मिनट, क्या दिक्कत है पुलिस वालों क्या दिक्कत है? इंस्पेक्टर साहब क्या दिक्कत हो गई? ताऊ, कोड रेड कर दे यहीं पे। क्या लगता है? अरे सुनो, डायरेक्ट कोड रेड करके सब पुलिस वालों को उड़ा देते हैं और ये बंदों को छोड़ने देते हैं। कोड रेड करके सबको उड़ा देते हैं, यही बेस्ट रहेगा। 3, 2, 1 जल्दी बोल रहा हूँ। गो। ऑफिसर अपना हाथ ऊपर कीजिए। नाइस, दो डाउन। अरे क्या कर रहे हो? अरे डाउन, पुलिस वाला डाउन, पीछे डाउन। अरे ये मैच वाले भी गए रे साले। अरे सब गए, भेंडी सब गए, सब गए। अरे अरे पीछे के पीछे पीड़ी वाले पीछे वाले। पीछे देखो। अरे ताऊ, अबे मर कैसे नहीं रहा इतना? ये मर कैसे नहीं रहा?
अभी तक जेल नहीं हुई है वो। चलो 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 पंडरपुर वापस पुलिस को ठोकने का है भाई। वापस पुलिस को नहीं है, पुलिस के पूरे आवाम को ठोक देने का है, समझ रहे हो ना बात को। और मेरे पप्पा को मैं कॉल करके बताने वाला हूँ कि ये सब हो रहा है, वो आंखें आंख लगा देंगे एरिया में। पुलिस आ रही है। अरे बाबा सरेंडर कर रहा हूँ ऐसा सोच के आए। झुको सारे कोई नीचे तभी मारना, ठीक है? एक को भी ऊपर आने नहीं देना। चुप रहा हूँ। भाई पुलिस एकदम रेडी है, पुलिस एकदम रेडी है, ब्लैक स्क्वाड बन के आई है। गैराज के टॉप पे स्नाइपर। अरे गया। अरे नहीं, उनको बचा है भाई, उनके हाथ में गन्स है, मारना ही पड़ेगा अभी। वो रेडी हो गया है पूरे ऊपर पीडीएम का। अरे ईएमएस का, मारो। अरे पुलिस का नहीं है, पुलिस का पागल बन रहे भाई। और एक हेलीकॉप्टर आया। ये पीढ़ी का, ये पीढ़ी का, ये पीढ़ी का, ये पीढ़ी का, ये पीढ़ी का। जबरदस्त तबला तोड़ दो। एक हेलीकॉप्टर आ रहा है, और एक हेलीकॉप्टर। अरे दो कैसे ला सकते हैं भाई, ये नहीं भाई, ये क्या कर रहे हो भाई? यहाँ पे गुंडा राज नहीं, पुलिस का गुंडा राज चल रहा है, दिख रहा है हमको। वो अभी वो देखो सामने से गैराज। अरे सामने के गैराज में से एसएमजी चला रहा है एक बंदा भाई। बहुत बोल रहा है, ऐसे नहीं शॉर्ट रेंज होती है, उसको बता जाके भाई के ऊपर ही है। जस्ट कुछ नहीं कर रहे, बस घूम रहे, अपन फायर नहीं करेंगे, आराम से ऊपर। लगा, भागा, भाई बहुत लगे उसको। दूसरा भागा। ओ ये किधर? मर गया। ए एक पुलिस वाला मर गया। एक वन डाउन। बाहर पे। उधर ही रुकना। मुफासा उधर ही रुकना। उतरो। जल्दी बोलो उतरो क्या? अरे हेलीपैड ऊपर गया। दोनों गए। नीचे उतरू क्या? ताऊ नीचे उतरू। सारे घर साले हराम को। एक नंबर। पीछे आ गए। मर गया। नहीं उतरने देंगे, डोंट वरी। मुफासा है भाई, एम का बादशाह। भाई उतर गया। अरे भाई साहब, हेल्पफुल कर रही थी मैंने।